Hey guys, this is Preeti and welcome back to your channel Short World. So guys, आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की. वॉल्यूम में अभी तक आपने जो पढ़े हैं वो आपके हैं 2D फिगर्स आपने पढ़े हैं, यानी कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ट्रायंगल पढ़ा है. अब हम 3D फिगर की बात करेंगे. तो 3D फिगर्स में हमारे पास सबसे पहले जो हम फिगर पढ़ेंगे वो है क्यूब. ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है. आपको दिख रहा होगा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है. इस तरह के जैसे जिन फिगर्स में हाइट भी होती है लेंथ एंड ब्रेथ के साथ, उसे हम 3D फिगर कहेंगे. तो यहां पर हमारे पास 3D फिगर है. तीनों साइड से आप इसे देख सकते हो. रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही फेस आपको दिखेगा या स्क्वायर में आपको सिर्फ एक फेस दिखेगा. ये आपका 3D फिगर है. तो आपको यहाँ पे फेसेस दिख रहे होंगे, फ्रंट एंड बैक, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट राइट. तो इसमें कितने फेसेस हो गए? 6 फेसेस आपको दिखेंगे क्यूब में. ये इसके कॉर्नर्स हैं. तो कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे? 8 कॉर्नर्स. इन्हें हम वर्टिसेस बोलते हैं और साइड्स को हम बोलेंगे एजेस. इज दैट क्लियर? अब हम रखेंगे यहां पर ये जो क्यूब है इसका हमें निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला आता है वॉल्यूम का. वॉल्यूम हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. तो वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें किसी चीज को होल्ड करती हूं तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी. इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? सपोज करो मैंने इसमें लिक्विड रख लिया, गैस रख ली या कोई भी प्लाज्मा वगैरह रख लिया, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी चीज को कंटेन कर सकता है, तो वो इसका वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिखेगा. क्लियर? अब आप बात करते हैं एरिया की. तो इसका एरिया क्या होगा? इसके जितने भी फेसेस हैं ये स्क्वायर फेसेस हैं, क्योंकि इनके सारी साइड्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर फेसेस हैं. इन सारी कितने फेसेस हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस. एक फेस का हम एरिया निकालेंगे तो साइड इनटू साइड होगा और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे इसका पूरा एरिया निकल के आ जाएगा. यानी कि एक फेस का एरिया 2, 3, 4, 5 और 6 का एरिया टोटल को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो ये था हमारा फिगर. आपके पास आता है क्यूबॉइड. ये भी आपके पास क्यूब से थोड़ा बहुत लिटिल बिट सिमिलर है, बट आप इसमें देखोगे इसकी लेंथ जो है अलग होगी, ब्रेथ अलग है और ये हाइट भी अलग है. यानी कि तीनों साइड जो होंगी वो आपकी डिफरेंट होंगी, इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूबॉइड. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. फेसेस आपको यहाँ पे सिमिलर मिलेंगे, 6 फेसेस हैं. कॉर्नर्स भी सिमिलर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. फ्रंट, बैक, अप, डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट. तो आपके पास 6 फेसेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं. इसका फॉर्मूला, इसका वॉल्यूम भी सेम होगा, द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स और द फिगर इज कॉल्ड द वॉल्यूम. क्लियर? ये कितनी चीज को होल्ड कर सकता है, कंटेन कर सकता है, वो इसका वॉल्यूम होगा. इसका एरिया आपको दिखेगा, फ्रंट रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी. सेम रेक्टेंगल आपका बैक साइड में है, L इंटू बी. तो दो क्या हो गए? 2LB. इसी तरह से यहां पर आपको दिखेगा B इंटू एच. इधर वाला जो फेस है, राइट एंड लेफ्ट वाले जो फेसेस हैं, उनका एरिया क्या हो जाएगा? B इंटू एच. तो 2BH हो जाएगा. एंड यहां पर आप ऊपर वाले को देखेंगे तो L और ये B और ये L और ये H वाला, L इंटू एच. तो आपके पास तीन आपके पास जो है फेसेस का चॉइस आ गया, 2LB, 2BH एंड 2HL. तो आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL और वॉल्यूम आपका आएगा L इंटू B इंटू एच. तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा इसका फॉर्मूला वॉल्यूम एंड एरिया. फिर हमारे पास एक कोन आपको दिख रहा है, कोनिकल शेप, बर्थडे कैप जैसे होती है ये कैप है. तो इसमें आपके पास बॉटम में एक सर्कल है और कोई सर्कल नहीं दिख रहा है हमें. ये बॉटम में एक सर्कल है, इसके फेसेस कितने होंगे? एक सर्कुलर फेस आपका सिर्फ यही मिलेगा, एक फेस ये हो गया और एक आपका कर्व फेस. क्लियर? तो इसमें दो फेसेस होंगे. ये टॉप में वर्टिस है, एजेस कुछ नहीं होंगे इसमें, कोई भी एजेस नहीं है. तो यहां पर जो सर्कल है ये कोन है, ये आपके पास इस तरीके का होगा.
ये कोनिकल शेप है, यहां टॉप से बॉटम की जो हाइट है इसको एच बोलेंगे, और ये वाली जो साइड में जो हाइट होती है इसे लेटरल हाइट कहते हैं, और इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये एल से रिप्रेजेंट करेंगे लेटरल हाइट, और ये हमारी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट एंड लेटरल हाइट। ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस हो गया। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। अगर आप इसमें पानी भरते हो तो ये कितना पानी कंटेन करेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 πr²h। अब आप में आपको इसमें दो दो एरिया देखने के लिए मिलेंगे, कर्व सरफेस एरिया हम इसकी बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में आपका सर्कल का एरिया नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा जो कर्व है, ये कर्व वाला है। ठीक है, तो ये आपका आता है पाई आर एल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। और एल आप कैसे निकालोगे, एल यहां पर देखो ये जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाएगी, तो यहां पे पाइथागोरस हम लगा लेंगे, तो एल कितना हो जाएगा, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से आप इसको एल निकालोगे। क्लियर? अच्छा, अगर ये तो आपका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, आपको टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, इसमें आपको कर्व सरफेस तो ऐड करना ही है, साथ में एक सर्कल को भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई और आर को आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपका एल प्लस आर। तो ये है आपका कोन का फॉर्मूला, वॉल्यूम है आपका 1/3 πr²h, कर्व सरफेस पाई आर एल, एंड टी एस ए है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। सो नेक्स्ट पे है सिलेंडर की, ये आपको सिलिंड्रिकल शेप दिखेगा, यहाँ पे दो सर्कल आपको दिखेंगे, एक बॉटम में और एक टॉप पे, ये दो सर्कल हैं, और ये वाला जो है ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, और अगर हम इन दोनों सर्कल को भी ऐड कर लेंगे तो ये बनेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये टॉप से बॉटम हो जाएगा इसका हाइट, और यहां पर जो है सर्कल इसका जो रेडियस होगा वो आपको आर से रिप्रेजेंट हम करते हैं। आपको तीन फेस दिखेंगे सर्कल, एक सर्कल ये है, एक इधर और एक कर्व सरफेस, सर्कुलर फेस आपके पास दो है और एक कर्व फेस है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है ये स्फीयर, इसे हम स्फीयर बोलेंगे, ये सर्कल नहीं है स्फीयर है। ठीक है, तो ये स्फीयर में हाइट कुछ नहीं है, रेडियस इसकी हाइट होगी, यहां से लेकर यहां तक की जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा इसका, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर जैसे आप एक लेमन को काट देते हो तो बीच से जो पोर्शन निकलता है ये वाला, ये लेमन, ये आपका हेमिस्फीयर कहलाता है। क्लियर? तो ये इसकी रेडियस हो गई, और ये इसकी रेडियस ही इसकी हाइट होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, इसमें इसमें जो फेस है वो एक फेस होगा, सिंगल फेस है, कर्व फेस। क्लियर? तो बाकी के डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे।